हेलो दोस्तों, टेक्निकल अंकुर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अंकुर। दोस्तों आज की वीडियो में कमाल का वाटर हीटर बनाएंगे। इसको कैसे बनाएं इसका पूरा प्रोसेस मैंने वीडियो में बताया, तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो में बनाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक सीलिंग रोप ले लिया। ये आपको दोस्तों किसी भी इलेक्ट्रिशियन शॉप पर आपको आसानी से 10 से 15 रुपए में आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद में दोस्तों हम इसको खोल के इसके अंदर में दोस्तों यहाँ पर कुछ कनेक्शन के लिए पॉइंट दिए होते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर कॉपर पाइप का टुकड़ा ले लेंगे। आप चाहे तो दोस्तों कॉपर वायर हो तो दोस्तों आप उससे भी बना सकते हो। हमारे पास में यहाँ पर दोस्तों कॉपर का पाइप पड़ा होता तो हम इसी से बनाएंगे। उसके बाद में दोस्तों कोई भी आपको एक पाइप वगैरह ले लेना है। उसके ऊपर में दोस्तों आपको इसको अच्छे से बैंड करा देना है दोस्तों, स्प्रिंग टाइप में इसको बना लेना है। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर 3 राउंड करके इसको अच्छे से स्प्रिंग टाइप में बना लिया। उसके बाद में दोस्तों जिसका एक्स्ट्रा पीस था दोस्तों उसको हमने यहाँ पर कट करके निकाल दिया। उसके बाद में दोस्तों जिसका सीरा है तो था दोस्तों उसको थोड़ा सा हम प्लास की मदद से पिचका देंगे, जिसके दोस्तों उसके अंदर में हम एक यहाँ पर छोटा सा होल करेंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए दोस्तों हमने उसको चपटा कर दिया अच्छे से। उसके बाद में दोस्तों जो हमने एक अलग से टुकड़ा कट किया था उसको भी दोस्तों हम यहाँ पर एक साइड से उसको पिचका कर उसको भी पिचका लेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम इसको थोड़ा सा बैंड करके मोड़ देंगे। अब दोस्तों इन दोनों सिरों के अंदर हम यहाँ पर होल करके ले आएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर इन दोनों सिरों के अंदर में होल कर लिया। उसके बाद में कुछ स्क्रू नट वगैरह लेकर इसको इस डब्बे के अंदर में कुछ इस प्रकार से दोस्तों स्क्रू नट वगैरह के साथ में लगा देंगे। साथ ही साथ में दोस्तों हम यहाँ पर एक वायर का केबल का टुकड़ा भी ले लेंगे। इस वायर को दोस्तों हम यहाँ पर डब्बे के ढक्कन के अंदर से निकाल कर दोस्तों जो हम यहाँ पर ये दो पॉइंट दिए इस दोनों पॉइंट के साथ में दोस्तों इनके वायर को छील कर इसको भी कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमने इसको दोनों कनेक्शन को अच्छे से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में दोस्तों इसके ऊपर वाले डब्बे को भी हम इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद में दोस्तों आप देख सकते हो हमारे यहाँ पर वाटर हीटर बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब चाहे तो दोस्तों इसको और बड़ा बनाना चाहे तो और बड़ा भी बना सकते हो। हमने यहाँ पर छोटा सा बनाया। चलिए दोस्तों अब इसको टेस्टिंग कर लेते हैं। दोस्तों ध्यान है, जब भी आप इसको यूज करें तो आप किसी भी प्लास्टिक वाली बाल्टी वगैरह में इसको यूज करें। हम यहाँ पर इजीली आपको टेस्टिंग करने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक छोटे से मग्गे में वाटर भर लिया है। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर इसको वाटर के अंदर में लगा देंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम इसको यहाँ पर 220 वोल्ट एसी सप्लाई के साथ में कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों आपको इसको किसी भी लोहे वगैरह की बाल्टी में नहीं लगाना। और साथ में दोस्तों इसको ध्यान है, जब आप इससे पानी गर्म करें तो दोस्तों आपको इसको टच वगैरह नहीं करना है। दोस्तों इससे आपको सॉफ्ट वायर लगा सकता है। ये देखो दोस्तों, जैसे ही हमने इसको यहाँ पर ऑन किया है आप देख सकते हो दोस्तों हमारे यहाँ पर मग के अंदर से दोस्तों थोड़ा थोड़ा धुआं निकलना स्टार्ट हो गया। आप देखिए दोस्तों, कुछ ही सेकंडों के अंदर हमारा जो यहाँ पर हमने जो मग रखा था दोस्तों उसके अंदर से जो पानी वो काफ़ी अच्छे से उबलने स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हो हमने यहाँ पर 10-15 सेकंडों के अंदर में जो हमारा पानी था वो काफ़ी अच्छे से उबलने लग गया। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसी मज़ेदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।